ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुकभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां न त्वं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। जय आयुर्वेद, जय भगवान धन्वंतरि। आप सभी सनातन धर्म अनुयायियों एवं आयुर्वेद अनुरागी जनों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, जब हम मार्केट में जाते हैं और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं तो उसके साथ में हमको यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसको हम घर पर ला कर देखते हैं कि हमको वो इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक सामान कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ईश्वर का बनाया हुआ जो ये हमारा शरीर है, ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप समझ सकते हैं। तो इसको भी चलाने के लिए कोई यूज़र मैनुअल तो बना ही होगा कि हमको इस शरीर को कैसे चलाना है, कैसे स्वस्थ रहना है। जी हाँ, हमारे शरीर का भी यूज़र मैनुअल बना है। जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का यूज़र मैनुअल बना हुआ है, हमारे इस शरीर का भी यूज़र मैनुअल बना है। और ये और किसी ने नहीं बनाया है, देवताओं ने बनाया है। कैसे बनाया है? वेद, जो हमारे वेद हैं वही हमारे इस शरीर का यूज़र मैनुअल है। उसमें सारी बातें लिखी हैं कि हम किस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन्हीं चार वेदों में से जो अथर्ववेद है उसमें चिकित्सा संबंधित कई बातें आई हैं, इसीलिए इसको भिषज वेद भी कहा गया है, चिकित्सा का वेद कहा गया है। और ये जो आयुर्वेद है ना, ये आयुर्वेद इसी अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटी, चूर्ण, पंचकर्म और तेल मालिश लोगों के दिमाग में आता है। आयुर्वेद सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद एक जीवन का विज्ञान है, साइंस ऑफ लाइफ। आज पूरा विश्व, जहां हम कोरोना से परेशान हैं, पूरा विश्व आयुर्वेद की तरफ एक आशा भरी निगाह से देख रहा है। शायद यह आयुर्वेद का वरदान ही है जो देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। यह आयुर्वेद का ही वरदान है, जहाँ पे अमेरिका जैसे बड़े देश जो अपने आप को हेल्थ के क्षेत्र में नंबर एक नंबर दो कहते थे, आज वहाँ लाखों की संख्या में लाशें बिछ गई, लेकिन आयुर्वेद रूपी वरदान हमारे देश में है। इसलिए शायद हमारी भौगोलिक स्थिति कह लीजिए, चाहे आध्यात्मिक संस्कृति हमारी ऐसी है कि आज भी हम इस बड़ी महामारी से अपने आप को सुरक्षित रख पाए हैं। जी हाँ, ये आयुर्वेद रूपी वरदान का चमत्कार है। आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद का पृथ्वी पे अवतरण क्यों हुआ? जब परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने देखा कि व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद का कुछ आयुर्वेद रूपी उद्धार किया जाए, तो परमपिता ने आयुर्वेद का स्मरण किया। परमपिता ने आयुर्वेद का स्मरण करके प्रजापति दक्ष को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। प्रजापति दक्ष से अश्विन कुमारों ने ज्ञान ग्रहण किया। अश्विन कुमारों को देवताओं का भिषक कहा जाता है, जिन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का, संजीवनी विद्या का ये सभी ज्ञान था। यहाँ तक कि उनको जो है पशु विद्या का भी ज्ञान था अश्विन कुमारों को। अश्विन कुमारों ने यह ज्ञान भगवान इंद्र को दिया। इंद्र से भारद्वाज मुनि ने यह ज्ञान जो है ग्रहण किया। उसके पश्चात यह ज्ञान जो है पुनर्वसु आत्रेय के माध्यम से उनके छः शिष्यों में बांटा गया, जिसमें से उनके एक प्रमुख शिष्य थे अग्निवेश, जिन्होंने अग्निवेश तंत्र या चरक संहिता का निर्माण किया, जो चिकित्सा का एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। ऐसे ही एक सुश्रुत संहिता है, धन्वंतरी संप्रदाय के लोग सुश्रुत संहिता को मानते हैं, और आचार्य सुश्रुत का ही दिया हुआ शल्य आज संपूर्ण विश्व में जो सर्जरी के फादर माने जाते हैं, आचार्य सुश्रुत। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फादर ऑफ सर्जरी, जो मॉडर्न सर्जरी भी हम यूज़ करते हैं, वो आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले ही बताई गई थी।
प्लास्टिक सर्जरी की विधि आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले आचार्य सुश्रुत ने उदर पाटन यानी कि पेट की सर्जरी किस प्रकार की जाएगी, आचार्य सुश्रुत बहुत पहले ही बता के चले गए। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ आयुर्वेद है क्या, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। हिता हितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हिता हितम मानम चतच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स इति उच्यते। आयुर्वेद में आयु चार प्रकार की बताई गई है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। हित आयु क्या है, हम जिस प्रकार से लोगों का कल्याणकारी, हमारे अंदर एक कल्याणकारी भावना होनी चाहिए कि हम दूसरे का कल्याण करें, दूसरे के सुख दुख का विशेष रूप से हम ध्यान रखें, सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार हमारे आचरण से, हमारे कार्यों से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है उसको हम हित आयु प्रदान कर रहे हैं, ये हुआ हित आयु। अहित आयु इसके विपरीत आचरण अगर हम कर रहे हैं तो अहित आयु होगा। सुख आयु क्या है, हम कुछ ऐसा अपने लिए कंडक्ट मतलब आचरण करें कि हम सदैव स्वस्थ बने रहें, हमारा शरीर निरोगी बना रहे और हम सदैव स्वस्थ बने रहें। सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च, आयुर्वेद में कहा गया है सुख संज्ञकम आरोग्यम, अगर हमें सुख की अनुभूति हो रही है तो यह आरोग्य है, और विकार क्या है, दुखमेव च, अगर हम दुखी हैं, हमारा मन प्रसन्न नहीं है, दुखी हैं, तो यह विकार है, यह व्याधि की कंडीशन है, यह रोग की कंडीशन है। बहुत अच्छी परिभाषा आचार्य चरक ने दे रखी है, सुख और दुख और कुछ नहीं है, हमारे अनुकूल अगर कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो हमको सुख की अनुभूति हो रही है, हम स्वस्थ हैं, अगर हमारे मन के विपरीत कुछ हो रहा है, हम दुखी हैं, तो यह मतलब रोग की व्याधि की कंडीशन है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का उद्देश्य आखिर प्रजापति परमपिता ब्रह्मा को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने आयुर्वेद का स्मरण कर कई प्रोसेस कई स्टेप के माध्यम से पृथ्वी पर मृत्युलोक में आयुर्वेद का ज्ञान जो है पहुंचाया। दोस्तों जहां पे आज मॉडर्न मेडिसिन कहीं न कहीं डिजीज ओरिएंटेड है मतलब बीमारी की चिकित्सा करता है, आयुर्वेद का प्रयोजन कभी भी बीमारी नहीं है। पहला प्रयोजन क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति, हम आप अगर स्वस्थ हैं तो किस प्रकार हम स्वस्थ बने रहें, हमारी मजबूरी होती है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास कोई इतने मतलब खुशी से नहीं जाता, वो हमारी मजबूरी होती है, हम डॉक्टर के पास न जाएं, सदैव स्वस्थ बने रहें, इसके लिए आयुर्वेद में कई नियम बताए गए हैं। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यह आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है। दूसरा क्या है, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यह आयुर्वेद का सेकेंडरी है, बाई चांस अगर कोई बीमार पड़ जाता है, इन नियमों का पालन नहीं करता है, अगर जैसे तैसे बीमार पड़ जाता है तो फिर उसका जो हमको ट्रीटमेंट करना है वो आयुर्वेद का सेकेंडरी उद्देश्य है न कि प्राइमरी। आयुर्वेद है क्या, साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का ज्ञान है, जीवन का विज्ञान है। मैंने आपको बताया पूरा विश्व आज कोरोना के चपेट में है और आयुर्वेद की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है, ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और इसमें कई संभावनाएं हैं, आयुर्वेद में अनेक संभावनाएं हैं। फिर हम बात करते हैं आयु क्या है, शरीर क्या है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धाय जीवितम, शरीर क्या है, इंद्रिय सत्व यानी मन और आत्मा, इन सभी का जो समावेश होता है उसको हम जीवन कहते हैं, आयु कहते हैं। आयुर्वेद में कई सिद्धांत बताए गए हैं, पंच महाभूतों का सिद्धांत है, त्रिदोष का सिद्धांत है, वात पित्त कफ का सिद्धांत है, त्रिगुण का सिद्धांत है, सत्व रज तम का सिद्धांत है, ऐसे कई सिद्धांत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम स्वस्थ की बात करें, जहाँ पहले मॉडर्न साइंस में या अन्य जगहों पे ये बताया जाता था कि स्वस्थ क्या है, अगर हम व्याधि की अवस्था नहीं है, विदाउट एनी डिजीज कंडीशन क्या है, स्वस्थ है। परंतु आचार्य सुश्रुत ने जो हजारों वर्ष पहले स्वस्थ की जो परिभाषा बताई थी उसे WHO ने फॉलो किया और अपनी डेफिनेशन चेंज किया, उन्होंने स्वस्थ क्या परिभाषा बताई है आचार्य सुश्रुत ने, समदोष समाग्निश्च समधातु मलप्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब हमारे शरीर में समदोष वात पित्त कफ ये जो तीन दोष हैं ये साम्यावस्था में रहें, हमारी अग्नि जो हमारे भोजन का पाचन करती है जठराग्नि जो है वो साम्यावस्था में रहें, हमारी सप्तधातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये हमारे शरीर में सप्तधातुएं होती हैं,
ये अगर साम्य अवस्था में है, सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल मूत्र पुरीष और स्वेद जिसको हम पसीना कहते हैं, ये तीन मल बताए गए हैं, सभी का प्रमाण बताया गया है आयुर्वेद में। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, साम्य है, तो ये स्वास्थ्य की कंडीशन है। लेकिन ये जो हमने आपको बात बताई, ये फिजिकल हेल्थ है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ होने से आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा। जब तक उसका मन तनाव में है, हम उसको स्वस्थ नहीं कहेंगे। सोचिए, आयुर्वेद में इतने वर्ष, हजारों वर्ष पूर्व ही शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की बात की गई। कैसे? दूसरी लाइन में कहते हैं आचार्य, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब हमारी आत्मा, इंद्रिय और मन, इनका भी प्रसन्न होना नितांत आवश्यक है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ से आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य भी नितांत आवश्यक है। आयुर्वेद में कहा गया है, विषादो रोग वर्धनानां। विषाद यानी अगर आप तनाव में हैं तो आपकी व्याधियों को बढ़ाएगा। विषादो रोग वर्धनानां, इसीलिए तनाव में तो रहिए ही मत, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। शोक शोषण, मतलब शोक की वजह से आचार्य चरक कहते हैं, शोक अगर आप करेंगे तो शोक यानी आपके शरीर का कहीं ना कहीं क्षय होगा। इसलिए शोक और विषाद इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। स्वास्थ्य की जो दोनों परिभाषाएं बताई हमने, एक शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, दोनों का अपना महत्व है, और इन दोनों को अपने शरीर में बनाए रखने के लिए आयुर्वेद के नियमों का पालन नितांत आवश्यक है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारा देश, हमारा विश्व इतनी भयंकर बीमारी से जो ग्रसित हुआ है ना, यह आयुर्वेद में बताया गया है। इसको जन्मदोध्वंस कहते हैं, महामारी को। और इसका एक मूल कारण साथियों क्या है? अधर्म। अभी हम उसकी भी बात करते हैं, अधर्म पाप। जब आप मांसाहार की तरफ प्रवृत्त होंगे, गौ हत्या की तरफ प्रवृत्त होंगे, जो कि हमारे सनातन हिंदू धर्म के बिल्कुल विपरीत है, तो क्या होगा? अगर हम अधर्म का अनुसरण करने लगेंगे तो इस प्रकार की महामारियां तो फैलेंगी ही फैलेंगी। तो इनसे मुक्ति का एक मार्ग है अधर्म से धर्म की ओर जाना। अभी हम उस पर आएंगे। अभी हम धर्म और अधर्म कैसे रोग का कारण होता है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही भगवान सूर्य के सापेक्ष हमारी दिनचर्या को बताया, हमारी ऋतुचर्या को बताया कि हमको सूर्य के सापेक्ष, मतलब पहले घड़ी नहीं होता था, सब कुछ सूर्य के सापेक्ष होता था। कैसे? हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले का, 1 घंटे 36 मिनट पहले, सूर्योदय से 1 घंटे 36 मिनट पहले का समय होता है। हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने नित्य कर्म करना है, शौच इत्यादि करके। स्नान के बारे में बताया गया है। आज कोरोना फेज में लोग कहते हैं ना कि स्वच्छता पे ध्यान दीजिए, सफाई करिए हाथों को। क्या कोरोना फैलेगा तभी हम अपनी सफाई करेंगे, तभी हाथों को धोएंगे? अरे हस्त प्रक्षालन इत्यादि तो बहुत पहले से बताया गया है ना, अगर स्वस्थ रहना करना पड़ेगा। स्नान के बारे में बताया गया है, शरीर बल संधान करम स्नानम ओजस करम परम। शरीर का संधान करेगा और ओज की वृद्धि करेगा। ओज क्या है? मैं आपको ओज थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ओज जो हमने बताया कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, हमारे शरीर में ये 7 धातुएं होती हैं, और इन धातुओं का निर्माण हमारे आहार के द्वारा होता है। हम जैसा आहार ग्रहण करेंगे वैसे ही पाचन के दौरान इस तरीके की हमारी जो है 7 धातुओं का निर्माण होता है। इन्हीं 7 धातुओं का एक सार होता है जिसको हम ओज कहते हैं, और वही ओज हमारे शरीर के व्याधि क्षमत्व यानी इम्यूनिटी को बनाता है। इम्यूनिटी हमारी व्याधि क्षमत्व आयुर्वेद में कहा गया है, और वो ओज पे निर्धारित होता है। जितना स्ट्रांग हमारा ओज होगा ना, उतना ही हमारी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता। और आज देखिएगा तमाम तरीके के काढ़े वगैरह जो आयुष मंत्रालय से बांटे जा रहे हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। और इस कोरोना कालखंड में मैं आपको बताऊं, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसका व्याधि क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है, उसको ये व्याधि प्रभावित नहीं कर रही है। सब व्याधि क्षमत्व का खेल है, सब इम्यूनिटी का खेल है। मैं इम्यूनिटी पे ओज पे क्यों आया, बताना चाहता हूँ कि ये जो ओज है इसमें 10 गुण बताए गए हैं। ओज के 10 गुण बताए गए हैं, और इस ओज के 10 गुण मदिरा यानी मद्य के 10 गुणों के विपरीत हैं। यानी कि मद्य, मदिरा और ओज दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। आप सोचिए, अगर व्यक्ति मदिरा का, मद्य का, अल्कोहल का ग्रहण कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपने ओज को समाप्त कर रहा है, वो बीमारी की तरफ जा रहा है। इसलिए मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ,
फेसबुक के माध्यम से लाइव जितने भी साथी देख रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को ये जरूर बताएं कि मदिरा और ओज जो हमारे शरीर का रोगों से लड़ने की जो क्षमता बढ़ाता है, ये दोनों एक दूसरे से कट्टर दुश्मन है। 10 के 10 गुण अगर हमारे अंदर 10 क्वालिटी है तो बगल वाले के साथ हमारे जस्ट विपरीत अगर 10 क्वालिटी है, दोनों एक दूसरे के एंटी रहेंगे, समाप्त करने के लिए फोड़ लगी रहेगी। बिल्कुल वही बात होती है। साथ ही साथ दिनचर्या में जो बातें बताई गई हैं, बहुत पहले ही पेड़ की लकड़ी से हमको दातौन करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, व्यायाम के बारे में बताया गया, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्थात बलवर्धनी, जिससे स्थिरता आए, बल का आदान प्रदान। और अगली लाइन में कहा है आचार्य ने कि हमें अपने शरीर की क्षमता से आधी मात्रा में ही व्यायाम करना चाहिए। ये सब बातें बताई है। अंजन, नेत्रों में अंजन लगाना चाहिए। बरेली में आज भी सुरमा बहुत फेमस है, ये आचार्यों ने बहुत पहले ही बताया है कि नेत्रों में अंजन लगाना है, सुबेरे उठ के मुंह में कवल और गंडूच धारण करना है। ये सब दिनचर्या में आता है। कवल गंडूच क्या होता है, मुख में कुछ औषधि जैसे त्रिफला क्वाथ आप ले लीजिए और मुख में थोड़ी देर के लिए आप उसको लिए रहिए। दूसरा है नस्य, बताया गया है। नस्य का मतलब प्रातः उठते ही आप दोनों नासिका में अपनी तेल की बूंदे लगा लीजिए, तेल, नारियल तेल या घृत कुछ भी लगा लीजिए। उसका कारण क्या, इसको नस्य कहा गया है आयुर्वेद में। नासिका को आपके सिर का जो है द्वार कहा गया है, नासा ही शीर्षो द्वारम, यानी आपकी जो नासिका है वो सिरह प्रदेश का द्वार है। आपने कभी देखा होगा जब आप नाक में, आंख में, कान में दवा डालते हैं तो गले में महसूस होता है, मतलब सबका पैसेज एक ही है, आपने ऐसा फील किया होगा। मतलब हम नाक में अगर तेल डालते हैं तो कहीं ना कहीं नाक के माध्यम से जो कीटाणु, विषाणु, जीवाणु प्रवेश करते हैं वो उनका ब्लॉकेज हो जाता है, अवरोध हो जाता है। इसलिए कोरोना कालखंड में आप, कोरोना कालखंड में क्या, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आपको नासिका में तेल की बूंद तो अवश्य, इसको नस्य कहते हैं, इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। कई प्रकार के दिनचर्या में कई बातें, रात में जागरण नहीं करना चाहिए। आजकल लोग रात रात भर मोबाइल चला रहे हैं, एक एक दो दो बजे रात तक जाग रहे हैं। ये रात की जागरण से क्या होता है ना, वात का जो दोष होता है वो प्रकोपित हो, वात दोष प्रकोपित हो जा रहा है, अनिद्रा हो जा रही, बेचैनी हो जा रहा है, स्ट्रेस हो जा रहा है, मानसिक विकार, तनाव उत्पन्न हो जा रहे हैं। इसका इलाज डॉक्टर के पास आप करने, इसका इलाज आपके पास स्वयं है, बताया ना, ईश्वर का दिया हुआ यूजर मैनुअल है आयुर्वेद, जो ईश्वर ने आपको दिया है। आयुर्वेद और कुछ नहीं, ये तो आपकी आयु का विज्ञान है ना, ये तो आपको जानना चाहिए कि हमको कैसे उठना, जानता हर कोई है कि हमको सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन अलार्म 4 बार बजेगा फिर भी नींद नहीं खुलती है। एक्सरसाइज करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें हैं, करता कौन है। प्लीज़ इसको फॉलो करिए, आप सारी बातों का आपको फॉलो करना पड़ेगा, रात में मोबाइल चलाना ये सब त्यागना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ट्राइपोड्स ऑफ लाइफ बोलते हैं। मतलब आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, अगर आपने इन 3 पे नियंत्रण कर लिया है साथियों, तो किसी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, यानी कि जो लाइफ स्टाइल जनित डिसऑर्डर होते हैं ना, जिसमें कई प्रकार की बीमारियां, हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है ना, इन सभी बीमारियों से बचा जा सकता है। कैसे, हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए। आयुर्वेद के आहार पे बहुत फोकस किया है विभिन्न आचार्यों ने, सभी आचार्यों ने, कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। साथियों बातें बहुत हैं, आयुर्वेद को सिर्फ आधे घंटे में समराइज करना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी हम बहुत सामान्य शब्दों में, सामान्य बातों में, जो आम जनमानस को भी समझ में आ जाए, मैं समराइज करने की कोशिश करूँगा। और किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे फिर कभी लाइव आऊँगा और चर्चा करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो महत्वपूर्ण बातें, जो निचोड़ है आयुर्वेद का, जो मुख्य बातें हैं, वो मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँ। साथियों आहार की बात अगर करते हैं, तो आहार को परम ब्रह्म कहा गया है, इसको महौषध कहा गया है, आहार को महौषध कहा गया है। ये महौषध है, महान औषधि है। हमारा जो है बल, वर्ण, सुख, ये सभी आहार निमित्त ही होते हैं, हम कैसा आहार ग्रहण करते हैं। भगवत श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने आहार को सत्व, रज और तम में मतलब डिवाइड किया हुआ है, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। वहाँ बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में, पढ़ाया कि बासी भोजन को नहीं करना चाहिए, बासी भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, तामसिक प्रवृत्ति का कुछ हो जाता है, ऐसा हमने कभी पढ़ा था। फिलहाल आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, अगर हम आहार की बात करते हैं, हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक होना चाहिए।
हितभुक, ऋतभुक और मितभुक। सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति की, हमारी आपकी सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे मॉडर्न में जीन का कॉन्सेप्ट है, वैसे आयुर्वेद में प्रकृति का कॉन्सेप्ट है। आचार्य चरक ने कहा है पुरुषम पुरुषम वीक्ष, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा करके अलग अलग चिकित्सा करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा करके अलग अलग परीक्षा करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयुर्वेद में वर्णित हैं, जैसे आप जानते हैं नाड़ी मूत्र मलम जिह्वा शब्द स्पर्श त्रिकाकृति दर्शन स्पर्शन प्रश्न, कई प्रकार से आप परीक्षाएं करिए और प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है और उसकी प्रकृति के अनुसार हमको चिकित्सा करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि जो औषधि हमको काम कर रही है वो आपको भी वही औषधि काम करे, जो औषधि हमारे लिए दवा का काम करेगी हो सकता है वो आपके लिए विष का काम करे। आजकल लोग क्या करते हैं, वैद्य जी से फ़ोन पे या कैसे भी बिना वैद्य से परामर्श लिए अपने से गए फलाने को ये बीमारी थी, ऐसे ऐसे सिम्टम थे, हम भी जाके मार्केट से वही दवा ले लें। जरूरी नहीं कि उनको काम किया था तो वो आपको भी काम कर जाएगा, आपकी प्रकृति बिल्कुल अलग है तो आप कैसे समझ सकते हैं वही दवा आपके ऊपर भी काम करेगी। कहीं कहीं आयुर्वेद का लॉस होता है इससे, भाई आपको दवा नहीं काम करेगी नुकसान कर जाएगा, फिर आप ब्लेम करेंगे आयुर्वेद को, गलत बात है। आप वैद्य से मिलिए, किसी चिकित्सक से मिलिए, स्वस्थ रहेंगे। एक काल भोजन, आयुर्वेद में बताया गया कि हमें भोजन एक काल ही करना चाहिए, सुख का होता है, व्याधि से बचे रहेंगे। और बताया गया है कि छह रस बताए गए हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, छह प्रकार के रस बताए गए हैं आयुर्वेद में। केवल एक ही रस का मतलब दिन भर मीठा ही मीठा मत खाइए, सिर्फ नमक ही नमक मत खाइए, आपके आहार में छह के छह रसों का समावेश होना चाहिए, तभी वो बलकारक है। कोशिश करिएगा कि अपने आहार में आप चटनी जरूर बनाएं जिसमें मिर्च धनिया पुदीना ये सभी द्रव्य मिला के, नमक इत्यादि मिला के, जिससे तो आहार में चटनी का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। ये हुआ आहार की बात, आहार में बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। हितभुक यानी प्रकृति के अनुसार लेना चाहिए, मितभुक और ऋतभुक, प्रत्येक ऋतु में छह प्रकार की ऋतु में बताई गई। मैंने अभी कहा था कि आचार्यों ने सूर्य के सापेक्ष हमारे जीवन की कल्पना की थी, जैसे हमने बताया ना कि सूर्य के सापेक्ष दिनचर्या से लेकर रात्रिचर्या तक वर्णन है, उसी प्रकार सूर्य के सापेक्ष ही हमारे एक वर्ष को छह ऋतुओं में बांटा गया, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, और प्रत्येक ऋतु में उन्होंने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आचार्यों ने बताया है। शिशिर बसंत ग्रीष्म इनको आदान काल कहा गया है क्योंकि इसमें सूर्य जो होता है उत्तरायण होते हैं, आदान काल में सूर्य उत्तरायण होते हैं, और शिशिर बसंत ग्रीष्म ये आदान काल की। फिर वर्षा शरद हेमंत, जैसे इस समय ग्रीष्म ऋतु चल रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आदान काल की अंतिम ऋतु है, आदान काल की अंतिम ऋतु है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हमारे शरीर का बल सबसे कम होता है, हमारे शरीर का रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होती है। लोग कहते हैं ना कि अरे इस समय तो हमको और बचा के रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने जब आपको बताया कि गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर का बल कम हो जाता है तो इस समय तो व्याधि से लड़ने की बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारी और कम हो गई है ना। तो जितने भी नियम बताए गए इस समय जो परेशानी चल रही है कोरोना की तो बच के रहिए ना, आपके शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता आयुर्वेद कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, आयुर्वेद ने कह रखा है कि क्रमशः शिशिर बसंत ग्रीष्म इन तीनों ऋतुओं में क्रमशः बल का ह्रास होता है क्षय होता है, यानी ग्रीष्म में आते आते बल कम हो गया, फिर इसके बाद जब वर्षा ऋतु आएगी तो क्रमशः बल बढ़ेगा, वर्षा में थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर शरद ऋतु में थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर हेमंत में और बढ़ जाता है। कह सकते हैं कि शिशिर और हेमंत यानी जो जाड़े का टाइम होता है उस समय हमारे शरीर का बल बहुत ज़्यादा होता है, हमारी जठरागनी प्रबल होती है, उस समय हम जो भी खाएंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। ये हुआ ऋतुचर्या की बात हमने की, आहार की बात की, ऋतुचर्या की बात की, दिनचर्या की बात की, अब हम आपसे बात करते हैं नींद की बात। नींद की तीन उपस्तंभ में है आहार, जो हमारी नींद होती है ना फुल नींद, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम पूरी नींद नहीं लेते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव से ग्रसित होंगे, हम वात बढ़ेगा तो कई प्रकार की वातिक डिसऑर्डर ज्वाइंट डिसऑर्डर ये सब बढ़ेंगे, इसलिए रात में पूरी नींद कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य लीजिए। और आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी है इसलिए आप ये सोच लीजिए हमको कितना पहले सो जाना है कि
सुबह हमको ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के आसपास उठना भी है, योगासन प्राणायाम वगैरह करना है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योगासन प्राणायाम वगैरह भी करना चाहिए, आधे घंटे का समय देना पड़ेगा आपको अपने शरीर के लिए, सदैव स्वस्थ बने रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि सद्वृत्ति क्या है। सद्वृत्ति क्या है कि हम कैसा आचरण करते हैं। कहा गया है ना कि आप दूसरों से वही आचरण करिए जैसा आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं, जैसा दूसरों से अपेक्षा करते हैं वही आचरण करना चाहिए। खैर, हम बता रहे थे अभी आपको शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम अर्थात धर्म का प्रथम साधन जो है शरीर का निरोग रखना है। अगर हमको निरोगी रखना है तो हमको धर्म का पालन करना पड़ेगा। साथियों, यहाँ धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी संप्रदाय विशेष से नहीं है, जो आयुर्वेद में नियम बताए गए हैं ना वो एक प्रकार से धर्म ही है, जो आपका यूजर मैनुअल ईश्वर ने दिया है आयुर्वेद रूपी वेद रूपी, वो एक तरीके से धर्म ही, उसमें सारे नियम धर्म है। वो आपको स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर को ये सारे नियम फॉलो करने ही चाहिए। लेकिन अगर आप धर्म से भटक गए, अधर्म की तरफ गए, यानी कि आपने सारे नियमों की अवहेलना कर दी, तो क्या होगा, हम बीमारी की तरफ बढ़ेंगे। कहीं कहीं आयुर्वेद का जो प्रयोजन था सेकेंडरी पे आप आ जाएंगे, आतुरस्य विकार प्रजनन, तब अपने आप को आप स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। सर्वेषां रोगाणां अधर्म कारणम् आयुर्वेद में कहा गया है, सर्वेषां रोगाणां अधर्म कारणम्। अधर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसलिए अधर्म से बचिए, अधर्म से बचिए आप। आयुर्वेद में कहा गया है कि जनपदों ध्वंसयाजिनी, जो महामारी फैली है कोरोना, इसका मूल कारण पाप है। कितना पाप हुआ होगा तब जाके ये बीमारी है। ये तो ईश्वरीय दैवीय सनातन संस्कृति की एक देन है, हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, देवताओं की कृपा है कि हमारे देश में वो भयावह स्थिति नहीं है जो विदेशों में आई है। कहीं कहीं वहाँ नास्तिकता है, पाश्चात्य संस्कृति है। अभी आचार्य पूजनीय स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने कहा था कि कहीं न कहीं हम क्या कर रहे हैं, हमारी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो झुकाव है, लगाव है, उसकी वजह से हम आज कहाँ पहुँच गए हैं। वैलेंटाइन से क्वारंटाइन तक का सफर तय करा दिया है इस बीमारी ने। मतलब हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चले गए, अपनी सनातन संस्कृति में बताए गए नियमों को हम भूल चुके हैं। साथियों, आयुर्वेद का पालन करिए, धर्म का पालन करेंगे तो सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है, नरो हिता विहार से भी समीक्षकारी विषय सुशक्त दादा समा सत्य पर क्षमावान आपतोप से भी भवति अरोगः। जो नर, जो मनुष्य हित आहार का सेवन करता है, विहार का सेवन करता है, समीक्षकारी मतलब बहुत सोच विचार करके कोई काम करता है, क्षमावान हो, लोगों को क्षमा कर दे, दानवीर हो, आप्तों पर से भी, आप्त का मतलब होता है जो हमारे ऋषि मुनि या हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमको बता रहे हैं उनके नियमों को हम अगर मान रहे हैं तो आप्तों पर से भी, ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, ऐसे लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। ऐसा चरक महाराज ने भी बताया, आचार्य चरक ने भी, और वाग्भट में भी बताया गया है। आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, यूजर मैनुअल। आयुर्वेद को 8 अंगों में बांटा गया है, काय बाल ग्रह और ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषांग, उसकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। अष्टांग योग का वर्णन है। आयुर्वेद में एक शब्द कहा गया है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन क्या है, जिन कारणों से बीमारी हो रही है उससे आप अपने आप को दूर रखें तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जैसे कोरोना का कारण क्या है, वायरस है, तो हम निदान परिवर्जन लॉकडाउन हो गए, ये निदान परिवर्जन, हम कारण से ही अपने आप को दूर कर लिए हैं, ये निदान परिवर्जन है। संक्षेप का क्रिया योगो निदान परिवर्जन, ये एक चिकित्सा है, एकल चिकित्सा अगर हम कहें तो, हमको उस कारण से ही अपने आप को दूर कर लेना है। साथ ही साथ आयुर्वेद में पथ्य का भी बात बताया गया है। पथ्य क्या है कि पथ्य तो एक ऐसी चीज़ है कि पथ्यम पथ्यो अनपेतम यदच्च उक्तम मनसः प्रियम। पथ्य सेवन करने से ही हमारे शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न नहीं होती है, और क्या है, हमारे मन को जो प्रिय हो वो पथ्य है। आचार्य लोलिंग महाराज ने पथ्य के लिए बताया है, होता है डॉक्टर कहते हैं कि ये खाना है तो ये नहीं खाना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि लापरवाही करते हैं, डॉक्टर के मना करने के बाद भी वही चीज़ खाते हैं। तो आचार्य लोलिंग महाराज ने कहा है, पथ्य सति गदार्थस्य किम औषध निषेवड़े। जो सदैव पथ्य का सेवन कर रहा है, मतलब
हितकारी आहार विहार का सेवन कर रहा है, पथ्य का सेवन कर रहा है, तो वो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो दोष हैं, दोष इत्यादि, वो हमेशा साम्यावस्था में ही रहेंगे, क्योंकि उसका डाइट जो है ना, पथ्य, वो बहुत भली भांति सोच समझ के खा रहा है, वो क्या खाना चाहिए क्या नहीं, उसको उसका ज्ञान है, पथ्य का सेवन कर रहा है, वो कभी रोगी होगा ही नहीं। दूसरी लाइन में कह रहे हैं, अगर वो रोगी हो भी गया है और पथ्य का सेवन नहीं कर रहा है और दवा ले रहा है, पथ्य सभी गदाब्दस किम औषध निशेव, अर्थात दवा भी खा रहा है और पथ्य मतलब परहेज नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए उस दवा का भी कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर आप पथ्य का सेवन कर रहे हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर आप बीमार बाई चांस पड़ गए हैं और दवा के साथ साथ आप पथ्य यानी परहेज नहीं कर रहे हैं, तो उस दवा का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। साथ ही साथ आयुर्वेद में विरोधी आहार का कॉन्सेप्ट मैं संक्षिप्त रूप से बताना चाहूँगा कि कभी भी नमक के साथ दूध की चीज़ों का सेवन मत करिए। नमक के साथ दूध की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। पनीर नमक में मिला के खाते हैं, ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है ना। रायता के साथ खीर मत खाइए। दूध से बनी हुई चीज़ों को नमक के साथ कतई सेवन न करिए, इससे जो है स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं, त्वचा जनित व्याधियाँ हो जाती हैं। साथ ही साथ हमारे आचार्यों ने कई धारणी वेग बताए हैं, अधारणी वेग बताए हैं, मल मूत्र पुरीष निद्रा, इन सभी के वेगों को नहीं धारण करना चाहिए। जब आए तो तुरंत त्याग करना चाहिए, अधिक समय तक रखने से बीमारी बढ़ती है। निद्रा यहाँ भी आया, अगर नींद आ रही है सो जाइए, मोबाइल ना चलाइए। 13 प्रकार के अधारणी वेग आचार्य चरक ने बताए हैं, अभी हमने आपको बताया। धारणी वेग क्या होता है, जैसे बहुत क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रहा है, ये सभी धारणी वेग हैं, इनको आप व्यक्त न करिए, अपने अंदर ही धारण किए रहिए। मनसा वाचा कर्मणा, इस प्रकार के जो वेग आ रहे हैं जिससे दूसरे को नुकसान होना है मन वचन और कर्म से, ऐसे वेगों को अपने अंदर ही आप धारण कर लीजिए। अधारणी मल मूत्र पुरीष क्षुधा यानी भूख प्यास, इन सभी के वेगों को, निद्रा के वेगों को, इनको मत रोकिए। अगर आ रहा है तो तुरंत त्याग दीजिए, निद्रा आ रही तो निद्रा ले लीजिए, इनको नहीं धारण करना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं, मसाले का कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। जो हम किचन में मसाले यूज़ करते हैं ना, वो अपने आप में एक क्लिनिक का काम करते हैं, पूरी औषधियां हैं। हमारे आचार्यों ने सभी मसालों का, चाहे वो मरीच हो, चाहे पिपली हो, चाहे सौंठ हो, चाहे हल्दी हो, इन सभी का आयुर्वेद में बहुत योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कभी इस पर चर्चा हम लोग फिर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद सनातन संस्कृत से जुड़ी हुई बहुत ही गुणवान देन है ईश्वर की, जो आज भी मृत्यु लोक में लोगों का कल्याण कर रही है। मैंने आपको बताया कि पूरा विश्व, पूरा समाज आज आयुर्वेद की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, इसका जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को आपको फॉलो करना ही चाहिए। साथियों, रोग के 3 कारण बताए गए हैं, असात्म इंद्रियार संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। असात्म इंद्रियार संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम। इसमें जो प्रज्ञापराध को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अहित कार्यों में अपने आप को लगाना, गलत कार्यों में अपने आप को लगाना, ये प्रज्ञापराध है। इसी प्रज्ञापराध से हमको बचना है। 3 प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है, दैव्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावजन। पहला दैव्यापाश्रय है, मणि, होम, हवन, ये सब आयुर्वेद में बताया गया है चिकित्सा। आपको आश्चर्य होगा, टोटल हमारे सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति है, ये वेद ही तो है। और आपको हैरानी होगी, ये पूरा का पूरा आयुर्वेद हमारी देव भाषा संस्कृत में लिखा हुआ है। तो जो दैव्यापाश्रय चिकित्सा है उसमें मणि, होम, हवन इत्यादि का वर्णन है। होम करने से सैनिटाइजन, आज हम सैनिटाइजेशन करते हैं, हमारे संहिताओं में सनातन धर्म में बहुत पहले से हवन का विधि दिया हुआ है। अगर आप अग्निहोत्र होम करते हैं तो उससे तो अपने आप ही वातावरण जो है शुद्ध हो जाएगा, सभी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस वैसे ही मर जाएंगे, तो इसका भी प्रयोग करिए आप। दैव्यापाश्रय चिकित्सा हमने बताया। दूसरा है युक्ति व्यापाश्रय, जो हमको वैद्य जी लोग, डॉक्टर जो हमको औषधि देते हैं युक्तिपूर्वक, वो युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है सत्वावजय चिकित्सा। सत्वावजय क्या है, अहित अर्थों से अपने आप को दूर रखना, गलत अर्थ मतलब गलत क्रियाकलापों से, बुरे कर्मों से अपने आप को दूर रखना, ये सत्वावजय चिकित्सा है। तो सत्वावजय चिकित्सा का भी आपको अनुसरण करना चाहिए, इससे आपको मानसिक सुख की शांति मिलेगी, मानसिक सुख की अनुभूति होगी। साथियों, ज़्यादा समय
न लेते हुए समय पूरा हो चुका है। मैं अंत में यही कहूँगा कि आयु कामाय माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेश विधेय परमाग्रह। साथियों, धर्म अर्थ और सुख इनकी प्राप्ति तभी संभव है, धर्म अर्थ और सुख इनकी प्राप्ति तभी संभव है जब आपकी आयु रहेगी। इसलिए इस आयु को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद के नियमों का पालन अवश्य करिए, करबद्ध प्रार्थना है। आचार्य चरक ने भी कहा है, सर्वमन्नत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत तद्भावे ही भावानाम सर्वभावम ही शरीरणाम। सभी बातों को छोड़ के पहले अपने शरीर के लिए सोचिए ना, ये शरीर रहेगा तभी सारे भाव रहेंगे, जान है तो जहान है। आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए। समय मेरा पूरा हुआ, फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं विशेष रूप से पीलीभीत से श्रीमान संजय पांडे भैया जी का धन्यवाद करता हूँ, पंडित आकाश शर्मा भैया का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पीलीभीत नगरी बाबा गौरी शंकर के धाम से मैं सभी को आप सभी को प्रणाम करता हूँ, फेसबुक पे लाइव देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मैं जल्द किसी अन्य विषय पे आपसे चर्चा अवश्य करूँगा। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है ना, वो किसी एक दो पंथ या जात के लिए नहीं कहती, वो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के सुख और समृद्धि की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, भारत माता की जय। धन्यवाद।